राजधानी देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया चैप्टर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 15 मई को राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान पीएसआरआई चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जाँच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में पीएसआरआई चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने स्वास्थ्य सचिव को जानकारी दी कि संगठन की देश भर में 25 शाखाएं हैं और इसमें सरकारी विभागों के जनसंपर्क अधिकारियों के अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर यूनिट आदि के लिए कार्मिक भी जुड़े हैं। संगठन का उद्देश्य है कि आपसी सहयोग से केंद्र और राज्य सरकारों के सकारात्मक समाचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 30 के आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट हमने हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं, जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक टोटली 16,000 यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर दी है। इसके अलावा जैसे पिछली बार जैसे हम लोगों ने 11 भाषाओं में SOPs भी जारी किए हैं। और इसकी अहमियत ये है कि वो जो यात्री जिस स्टेट से आ रहा है, हम जिस जो भाषा वो समझते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज वो समझते हैं, उसी रीजनल लैंग्वेज का SOP हम लोग उनको दे रहे हैं, ताकि जो हेल्थ के जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, वो उनको अच्छी तरीके से पता है। और जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, हॉस्पिटल को केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसके तहत बन रहा है, लेकिन हमारे अभी इक्विपमेंट्स आने शुरू हो गए हैं और जैसे ही हॉस्पिटल फंक्शन होगा इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे हम लोग लगा देंगे और पूरी तरह से संचालित रहेगा। बट ऑलरेडी वहाँ पे बद्रीनाथ में भी 12 बेडेड का PHC है और केदारनाथ जी में भी PHC है जो संचालित हो।